बिला शुबा वो एक आपकी सिक्योरिटी भी होती है, और जब आपके साथ एक मर्द और खास तौर पे जो आपका जीवन साथी है वो जब आपके साथ चलता है कंधे से कंधा मिला के, तो ज़िंदगी मज़ीद हसीन हो जाती है। और वैसे भी खुशियों का मौका है, तो माजिद भाई के लिए कुछ शेर होना चाहिए ईद से रिलेटेड। अच्छा, आपका बड़ा खूबसूरत, बल्कि सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा वायरल हो गया, बहुत लोग पसंद करते हैं आपका, तुझे प्यार करना नहीं आता। हाँ जी, उमर साहब के शो में था और अल्लाह उनको बरीके रहमत करे, वो बहुत अच्छे इंसान, और उनके शो में मैंने कहा था कि तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। दुनिया में जीने के दो ही तरीके हैं, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। और मुझे लगता है कि यहाँ उलट हो गया कुछ के, अच्छा तुझे भी प्यार करना आता है और मुझे भी प्यार करना आता है, इस तरह कर लेते हैं। तो दो ही तरीके और दोनों तरीकों से हम जी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी हमारी लाइफ है और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। ये ईद है, इस पे एक थोड़ा सा, मेरी वालदा के बगैर ये पहली ईद है, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, थोड़ा सा उदास भी इसीलिए क्योंकि मैंने मरवा जी इनकी वालदा से बहुत कुछ सीखा है और बहुत से लफ्ज़ सीखे हैं। मैं जब इनकी वालदा के पास जाती थी तो एक जन्नती औरत है, माशाल्लाह बहुत ही, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। यानी मैं कई दफ़ा ऐसा होता था कि कोई लफ्ज़ उनका सुन के मैं वहाँ तो खामोश हो जाती थी, लेकिन घर आके मैं घंटों सोचती थी कि ये लफ्ज़ तो हमने पहले सुना ही नहीं कभी। जैसे मैं पहली दफ़ा गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने अपने बेटों को फ़र्श शनास बनाया है। ज़बरदस्त। फ़र्श शनास मैं बड़ी देर सोचती थी कि वाकई बेटे को फ़र्ज शनास होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए हमारे फ़र्ज़ क्या है, हमने किस तरह पूरे करने हैं। फिर मैंने एक दफ़ा मजाकन ऐसे कह दिया कि आपको पता है आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो हंसना शुरू हो गई ना, तो कहने लगी कि हाँ जी मुझे पता है, और अल्लाह मेरे बेटे को इज्जत वाले काम में इज्जत दे। तो ये वो लफ्ज़ हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं थे। तो मैं कितनी दफ़ा सोचती थी कि वाह ऐसे लफ्ज़ तो हमने कभी सुने ही नहीं कि वाकई एक मर्द को फ़र्ज शनास होना चाहिए। हम लोगों के घरों में मैं समझती हूँ कि हम ना जो फीमेल्स जो जितनी भी शोबिज में काम करती हैं, हम एक अल्लाह के निज़ाम से जंग करते हैं ना, घर के बेटे बनना शुरू हो जाते हैं और बेटों को जो है वो बेटियाँ बना छोड़ते हैं, तो घर का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। जैसे वो कहती थी ना कि जिस घर में औरतें फैसला करना शुरू हो जाए, जिस घर में औरत की हुक्मरानी हो उस घर का शराजा बिखर जाता है। तो ये उसी तरह ही चलना चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है, ये नरगिस मैं तो गजाल ही कहता हूँ, नरगिस कभी भी नहीं कहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे घर के तौर तरीके थे और जैसे एक अच्छी बीवी के होने चाहिए वैसे इसके हैं, लिबास के हवाले से और दूसरे, अब इसका मजहब की तरफ खासा रुझान है, तो वो अल्लाह की ज़ात का बड़ा शुक्र है। तो ये चीज़ें मैंने सीखी और मैंने फिर बहुत इस पर गौर किया कि वाकई आप अगर देखें तो औरत की कमाई में तो बरकत ही नहीं है, मर्द की कमाई में बरकत होती है, मर्द ऐसा ही है। तो सैलून जो मैं चलाती हूँ वो भी उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मुझे इन्होंने कहा कि तुमने सारी ज़िंदगी इतना काम किया, तो बिल्कुल, और मैं ब्यूटिशियन तो थी ही काम करने से पहले, तो एकदम से अगर बैठ जाओगी तो जाहिर है मुझे भी आदत थी जी, जिस तरह ये शोबिज़ में थी बिल्कुल, और सारा इतना लाइमलाइट वाली लाइफ और बिजी इसका स्केड्यूल था अपनी अर्निंग करना, तो मैंने उस पर काफ़ी सोचा। तो मैंने सोचा कि अगर इसको एकदम से घर के अंदर बंद कर दिया जाए तो वो खराबी और कबाहतें बने, तो क्यों ना इसको कोई ऐसा, जैसे इसका वो प्लाजा था तो इसका दिल भी लगा रहे और ये मतलब फारिग रह के तो अपने आप को बंद ना समझे। तो मैंने फिर इसको कहा कि आप सैलून कर लो उसकी, इसको इजाज़त दी। इतनी चकाचौंध रोशनियों वाली जिंदगी, इतनी लाइमलाइट, आपके आगे पीछे गनमैन्स, इस तरह से आप मूव करती थी जब आप स्टेज की दुनिया में भी काम करती थी। बेशुमार फिल्म्स आपने बनाई, बल्कि 500 से ज़ायद फिल्मों में काम आपने किया। 375। तो कुछ ऐसी भी फिल्म्स थी कि जो किसी रीज़न की वजह से लग नहीं सकी, तो मतलब कुल मिला के इतनी हो जाती है। हाँ जी, जो क्योंकि मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक इतनी फिल्म्स हैं, तो बड़ा अच्छा काम इन्होंने किया। नरगिस बनने में कितना टाइम लगा? मेरे साथ ये हुआ कि मैं जैसे ही आई तो बहुत जल्दी हिट हो गई थी, ठीक है, नाम बन गया, मुकाम बन गया। किस्मत वाली है कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मुझे लगता है वो नाम कुछ भी नहीं है, नाम जो अब मैं बनाना चाहती हूँ ना वो नाम होगा। अच्छा, ये वो नाम नहीं है। और बल्कि मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी,
और मैं यहाँ किसी की दिल आजारी नहीं करूँगी। होता है ना कोई शोबिज की औरत देखे या मेरी कोई कुलीग देखे तो वो कहे कि हमें पता नहीं लगा रही, ऐसी कोई बात नहीं। बट आप वक्त के साथ साथ इतना सीख जाते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अपनी जो प्रीवियस आप कर चुके होते हैं आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी गलतियाँ थी हमारी। अच्छा। जो कि हमें उस वक्त नहीं पता था या तो कोई सिखाने वाला नहीं था या हम सीखना नहीं चाहते थे, क्योंकि वही बात आ गई ना कि हम बेटे बनने की कोशिश करते हैं और बेटा बनते बनते अपने ट्रैक से हट जाते हैं और घर के हुक्मरान बन जाते हैं छोटे होने के बावजूद। और जहाँ वही बात औरत की हुक्मरानी आती है तो वो घर का शिराजा बिखर जाता है। लेकिन कहा जाता था कि नूरजहां के बाद अगर कोई ब्रेव खातून शोबिज इंडस्ट्री में आई है तो वो नरगिस है। नहीं, दिलेर तो मैं अभी भी हूँ, ये मैं आपको अभी भी है, अभी भी किसी को लगानी पड़े मुझे नहीं लगता कि अब मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, अब एक मर्द खड़ा मेरे साथ। अच्छा, एक दौर की जो नरगिस थी उसने तो बड़ों को जो है ना वो लगा भी दी, और ऐसे नरगिस गुजरती थी पता लग जाता था क्योंकि कोई था नहीं ना पीछे, अल्लाह की जात थी। और फिर उस वक्त मुझे खुद को ही साबित करना पड़ा, खुद ही अपनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। और वक्त के साथ साथ फिर ये कि लड़ाई झगड़े ख़त्म भी हो गए और मुश्किलात से अल्लाह ने निकाल भी दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये खड़े हैं ना, मुझे क्या ज़रूरत है। अब तो खैर कोई अगर मेरी तरफ देखेगा तो 200 दफ़ा सोचेगा भी तो सही, ये किसकी बीवी है, इंस्पेक्टर की बीवी है, और वैसे ही सोचेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जी देखें जी, अब लाइफ का ऐसा कोई स्केड्यूल ही नहीं है, कोई फड़ो वाला, ठीक है, सही, तो लाइफ स्मूथ हो गई है। समझता जी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बहुत विंडी रोड से गुजर के आए, बहुत देर कर दी, मेहरबान थे जब मेरी इसकी कोई मुलाकात वगैरह स्टार्ट हुई तो मैंने देखा कि इसकी जो रेपुटेशन है इसका तो इनर वैसा नहीं है। मैंने इसको बड़ा ना डीपली ऑब्जर्व किया, सही, इसको तो ऑब्जर्व भी मैंने कोई तकरीबन 2 साल लगे। हाँ जी, डीपली मैं सारा ऑब्जर्व करता रहा करता रहा, मैंने देखा कि इसमें तो मतलब जो ये इसकी रेपुटेशन है ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, बिल्कुल मासूम सी और सीधी सी, हर कोई इसको बेवकूफ बना रहा है, इसका शोल्डर जो है वो शो कर रहा है या यूज कर रहे हैं, अंदर कहीं एक मासूम गजाला बैठी थी ना, अंडरस्टैंडिंग जिसको माजिद साहब ने पहचान लिया। अंडरस्टैंडिंग होते होते फिर जब हम शादी तक पहुंचे तो उसमें यही था कि ये भी अच्छी खासी अर्निंग करती थी, बहुत ज्यादा, तो जितना शायद किसी का एक ख्वाब होता। तो मेरी पहली शर्त ये थी कि भाई शोबिज के साथ मैं शादी नहीं कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा। शोबिज देखिए, मैं बुरा नहीं कहता शोबिज को, हर घर का एक अपना तौर तरीका, हर इंसान की एक अपनी सोच होती है, और मैं सोचता हूँ अपने लेवल पे जो कोई अपने लिए सोचता है वो ठीक सोचता है, बिल्कुल। तो वो मेरी पहली शर्त ही ये थी कि भाई इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने तो एक सेकंड नहीं लगाया, पूछ ले जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसने जब छोड़ा तो मुझे इसको दोबारा कहना नहीं पड़ा, लिबास के हवाले से किससे मिलना है किससे नहीं मिलना, किससे नहीं मिलना। और आज 7वां साल है हमारी शादी, और जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ इससे। बिल्कुल जी, 7 बहारें इन्होंने इकट्ठे देख ली, और अल्लाह करे कि ये हमेशा साथ रहें और ऐसे खुशो खुर्रम रहें।